हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों ने किसानों की मांगों को लेकर एडीएम सोलन विवेक चंदेल से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल किसान सभा सोलन के अध्यक्ष प्यारे लाल की अध्यक्षता में मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से कंडागढ़ क्षेत्र में किसानों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों ने किसानों की मांगों को लेकर एडीएम सोलन विवेक चंदेल से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल किसान सभा सोलन के अध्यक्ष प्यारे लाल की अध्यक्षता में मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से कंडाघाट क्षेत्र में किसानों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया गया। एडीएम विवेक चंदेल ने हिमाचल किसान सभा को ये आश्वासन दिया कि वे जल्द ही किसानों के साथ मिलकर एक बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। हिमाचल किसान सभा सोलन के अध्यक्ष प्यारे लाल ने बताया कि किसान बंदरों की समस्या से पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है, लेकिन कोई भी सरकार उनकी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब नसबंदी के नाम पर उनके क्षेत्र में बंदरों को छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते उनके क्षेत्र में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए वे चाहते हैं कि बंदरों की नसबंदी पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे और बंदरों का यहां से निर्यात किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 5 तारीख को उनके साथ जिला प्रशासन से बैठक का आश्वासन दिया है, अगर उसके बावजूद भी उनका कोई हल नहीं निकलता है तो वे आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। जो हमारा बड़ा मुद्दा है, हम फसलों बहुत लंबे समय से जंगली जानवरों से मुख्य बंदरों से निपटने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि नसबंदी पे रोक लगाई जाए और जंगली बंदरों का निर्यात किया जाए, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई भी मदद ना करते हुए लोगों ने अपने आप फैसला किया और उसे निजात पाई थी, लेकिन प्रशासन की मिली भगत और मतलब नसबंदी के बहाने एरिया में 5-6 पंचायतों में लगातार बंदरों को छोड़ा जा रहा है। आज हम इसके लिए मिले थे, लेकिन कंजर्वेटर साहब ने आना था, वो नहीं आए, लेकिन हम इनसे मांग कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और नसबंदी को तुरंत बंद किया जाए। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।